असलमेकम स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में ख़ास तौर पर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को समझना और उसको अवॉइड करना कॉन्शियसली उसके लिए एफर्ट करना बेहद अहम है ख़ास तौर पर सोशल एंटरप्राइज जब नॉट फॉर प्रॉफिट हो तो जो चीज़ उन्हें डिस्टिंग्विश करती है फॉर प्रॉफिट से या किसी बिजनेस से वो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही है नॉट फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज़ेस वो हैं जहाँ पे ओनर या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ओनर्स हैं वो जो एक्सेस uh, रेवेन्यू है या जो इन्वेस्टमेंट है या जो फंड्स हैं या प्रॉफिट है उसको अपने जाती पर्पसेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते या वो जो सोशल एंटरप्राइज है उसकी गुड्स एंड सर्विसेज को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते ये वो करेक्ट्रिस्टिक है जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप से एक तरह से बिल्कुल अलग करता है वैसे तो कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बींग टीचर कैन हैव कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट इन माई क्लास अगर मैं एक ऐसे ग्रुप को पढ़ा रही हूँ जिसमें मेरी बेटी या मेरी भतीजी या मेरा बच्चा जो है वो पढ़ता है और मैं उस क्लास को पढ़ाती भी हूँ उसकी असेसमेंट भी करती हूँ मार्किंग भी करती हूँ तो दरअसल यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट है कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आई कैन डिस्क्रिमिनेट मेरा इंटरेस्ट होगा कि मेरा बच्चा या मेरी भतीजी जो है वो बेहतर परफॉर्म करे मैं शायद उसकी मार्किंग लीनियट कर जाऊँ ज़रूरी नहीं है मैं कॉन्शियसली ऐसा करूँ हो सकता है अनकॉन्शियसली हो तो ऐसी सिचुएशन में ज़रूरी है कि मैं अपना कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट जो है वो डिक्लेयर करके उस सिचुएशन से बाहर निकल आऊँ बिल्कुल इसी तरह मतलब ये कि मैं उस क्लास को ना पढ़ाऊँ या उस क्लास की असेसमेंट ना करूँ उसकी मार्किंग ना करूँ बिल्कुल इसी तरह जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस उनका बाज़ सिचुएशंस में मल्टीपल इंटरेस्ट हो सकते हैं और वो इंटरेस्ट आपस में क्लैश करते हैं मसलन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो सकती है उनका पैशन उनका मिशन हो सकता है उनके इनोवेटिव जो आइडियाज़ हैं वो हो सकते हैं बाज़ रिलेशनशिप्स फैमिली और फ्रेंड्स जो उनको सपोर्ट करने के लिए उनके साथ काम शुरू किया था वो और उनके इंटरेस्ट हो सकते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट है कि किस तरह सोशल एंटरप्रेन्योर जो है वो एक अनड्यू एडवांटेज अपने आप के लिए अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड्स के लिए उस एंटरप्राइज में से ना ले कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट सिचुएशंस जो हैं वो बसावकात एथिकल होती हैं कि आप एथिकली अपने आप को पाबंद करते हैं कि आप चूंकि आप एक नॉट फॉर प्रॉफिट और लोगों के लिए काम कर रहे हैं तो आप उसमें से ज़ाती फ़ायदा नहीं लेंगे लेकिन ऑफ इंटरेस्ट जो है इंक्रीजिंगली दुनिया भर में उसके इर्द गिर्द लॉज बनना शुरू हो गए हैं एक लीगल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि अगर आपका किसी सिचुएशन में इंटरेस्ट है और आप ही उस सिचुएशन में डिसीजन मेकर या की प्लेयर हैं तो आपको नंबर वन उसे डिक्लेयर करना है नंबर टू बेहतर होगा कि आप अपने आप को उस सिचुएशन से अलग कर लें कि चूंकि इसमें मेरा यह इंटरेस्ट हो सकता है तो मेरी डिसीजन मेकिंग उस इंटरेस्ट से इम्पेक्ट हो सकती है और हो सकता है वो फेयर ना रहे तो ऐसे में ऑफ इंटरेस्ट लेजिस्लेशन जो है वो आपके काम आती है वो आपको गाइड करती है कि कब कहाँ कौन सी सिचुएशंस वो डिफ़ाइन करता है लॉ कि वो कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट सिचुएशंस हैं सेकेंडली आपको बताता है उसका वे आउट कि आप क्या कर सकते हैं और थर्डली अगर ब्रीच हो जाए तो उस पर क्या पेनल्टी हो सकती है अमूमा कॉन्फ्लिक्ट लॉज जो हैं वो इन तीन चीज़ों को कवर करते हैं पाकिस्तान में जो ऑफ इंटरेस्ट लेजिस्लेशन है वो बहुत पुराना कोई फिनिना नहीं है इनफेक्ट वेरी रीसेंट 2019 में पहली दफ़ा ऑफ इंटरेस्ट लेजिस्लेशन पाकिस्तान में हुई पंजाब प्रोविंस में प्रिवेंशन ऑफ इंटरेस्ट का एक्ट जो है वो 2019 में अप्रूव हुआ उसके बाद खेपी में लेकिन इस लेजिस्लेशन के हवाले से एक इंटरेस्टिंग चीज़ और एक लिमिटिंग चीज़ जो है वो ये है कि ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए है जो सरकारी मुलाजम हैं या गवर्नमेंट में जो लोग काम करते हैं या गवर्नमेंट की जो सिचुएशंस हैं वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट आता है उसके हवाले से ये ला गाइडेंस फ्राहम करता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से कोई लॉ जो है वो ऐसा ना तो ये लॉ कवर करता है और ना कोई अलग से लॉ मौजूद है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्राइज़ कंपनीज या बिजनेस जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशनस को जो है वो निगलैक्ट कर दें या उन पर वो जैसे कहते हैं कि अंडर द कवर उनको डाल के तो इग्नोर uh, करें मुख्तलिफ कम्पनीस मुख्तलिफ़ बिजनस इसी तरह सोशल एंटरप्राइज़ जो हैं उनकी अपनी ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसीज़ होती हैं और जो मॉडर्न लाइंस पर अब नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं एथिकली काम करना चाहते हैं तो अगर कंट्री लॉ में प्रोविजन ना भी हो तो वो अपनी जब एंटरप्राइज़ के लिए बिजनेस प्लान ऑपरेशनल प्लान तय करते हैं अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट आइडेंटिफिकेशन रेजोल्यूशन और उसकी जो भी पेनल्टीज़ हैं उनके ऊपर पॉलिसीज होती हैं थैंक यू